नमस्कार सत श्री अकाल। हम लोगों ने ट्राइम स्पीड 400 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया। हम लोगों ने इसे स्लश में चलाया, हम लोगों ने इसे चलाया है प्रॉपर बारिश में पहाड़ों पे, नॉर्मल रोड्स पे। आज हम लोग इसको चलाने वाले हैं सिटी में। तो इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और सिटी के अंदर ये कैसी परफॉर्म करती है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। विदाउट एनी डिले चलते हैं। गाड़ी हमारी ऑलरेडी चालू ही है जैसे कि आप देख सकते हो। स्पीड 400 वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स है जो मैंने अभी तक चलाई है। लो एंड टॉर्क इसका सुपर्ब है, हाई एंड एकदम स्टेबल रहती है। टायर्स इसके अंदर आपको अपोलो के मिल जाते हैं। फ्रंट में 110x70 के टायर्स मिलते हैं, पीछे 150x70 के टायर्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छा चलता है। देखो टायर का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि ग्रिप अच्छा हो। ग्रिप अगर सही नहीं है तो आप स्लश में हो या फिर कहीं पर हो, गाड़ी का स्केड होने के चांसेस ज़्यादा है। ड्यूअल चैनल आपको इसके अंदर ABS मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिटी के अंदर आप कैसे इसको चला सकते हो। ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। अब जैसे अगर मैं सडनली ब्रेक मारूँ सो वो रिस्पॉन्स वैसा ही है। जब ब्रेकिंग की बात आती है लोग क्या करते हैं, पहले फ्रंट दबाते हैं या पहले बैक दबाते हैं या फिर दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करने होते हैं। गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, सीटिंग कंफर्टेबल है मेरे लिए। आई एम 5'10", मेरे लिए इसकी सीटिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुंबई में वैसे भी यहाँ पर रोड के जो खड्डे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उस टाइम पर ये जो है काफ़ी आराम से ऐसे निकल जाती है। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपने कभी बार एंड मिरर वाली गाड़ी नहीं चलाई है तो उस टाइम पर आपको ये मिरर्स का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 3 कलर आते हैं इस गाड़ी के अंदर। हम लोगों ने ब्लू वाला चला लिया है, ब्लू वाले के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, इस वाले पर नहीं बनाई है। सो इस वाले को लेके अभी हम लोग निकल रहे हैं। ब्रेकिंग काफ़ी कमाल की है, ओवरऑल गाड़ी जो है वो रिलायबल साउंड करती है। हॉर्न सुनाता हूँ, हॉर्न थोड़ा सा और जो है इम्प्रूव हो सकता था, थोड़ा सा और बेसी जो है वो हो सकता था। बहुत ही टॉर्की गाड़ी है और यहाँ पर हमारी मुंबई मेट्रो जो है उसकी टेस्टिंग चल रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने के लिए। देखो सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना गाड़ी को चलाते वक्त, आप कितने कंफर्टेबल हो। ये गाड़ी सिटी के लिए बनी है, डेली कम्यूटिंग के लिए बनी है और इसके लिए इसका जो कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी मुझे कम्फर्टेबल है, पीछे पिलियन के लिए जो आपको सीट मिलेगी उसके अंदर कुशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जो आपके पीछे बैठेगा वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल होकर बैठेगा। इसको अकेले चलाओगे तो इस गाड़ी पर मज़ा आने वाला है। जब आप इसको दो लोगों के साथ चलाओगे तब इसके अंदर वैसा फील नहीं होगा लेकिन मज़ा आएगा। अभी बाहर निकले हैं तो इस गाड़ी की प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है दैट इज़ 287,716, जो अभी मुंबई से जहाँ से मैंने ये गाड़ी ली है और आप लोगों के लिए रिव्यू बना रहा हूँ तो वहाँ पर इसकी ये प्राइस है। और अगर आप 1,357 एक्स्ट्रा पे करते हो तो आप जीरो डेप इंश्योरेंस ले सकते हो। जिसकी रिक्वायरमेंट है जीरो डेप इंश्योरेंस की तो वो ले सकता है। इसकी डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मेरा एक फ्रेंड है जिसने ये गाड़ी ली थी रिसेंटली, अभी उसने अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कराई है और इसकी जो फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट था वो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी लोगों को लगा था कि इसकी जो सर्विसिंग का कॉस्ट है वो ज़्यादा होने वाला है, लेकिन उस टाइम पर उसकी जो सर्विसिंग का कॉस्ट आया दैट वॉज जस्ट 2,014 रुपीज़। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी का। जो चेन है सबसे पहले राइट हैंड साइड में, इसका इंजन जो है वो काफ़ी पावरफुल है। ये देखिए हॉर्न वगैरह इतने मारते हैं ये लोग, क्या कहें। ऐसे टाइम पे इस गाड़ी का असली टेस्ट करने में मज़ा आता है कि ये गाड़ी कहाँ से कितना चल रही है। दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में इसकी जो हीटिंग है वो मुझे अभी थोड़ी थोड़ी फील होने लगी है। लिक्विड कूल्ड गाड़ी है, अभी इसकी हीटिंग मुझे थोड़ी थोड़ी फील होने लगी है, उतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ से अब हम यू टर्न लेने वाले हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अभी आप देख सकते हो जो टैंक है दैट इज़ फुल और इसका जो टैंक है उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। E20 पेट्रोल भी सपोर्ट करता है, हर गाड़ी के अंदर अब आपको E20 सपोर्ट वाला पेट्रोल मिलेगा। माइलेज की अगर मैं बात करूँ, ये गाड़ी अभी काफ़ी चल चुकी है, इसका माइलेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अगर इसके ओडो की बात करें तो 1,894 किलोमीटर्स इसका जो ओडो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो 1,894 किलोमीटर्स में इस गाड़ी का जो माइलेज है वो अभी मैं आपको थोड़े टाइम में दिखाऊँगा। लेट मी टेल यू, ये वाली जो गाड़ी है ये टेस्ट राइड की गाड़ी है, तो कुछ लोग होते हैं जो इसको रफ चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसको स्मूथ चलाते हैं। सो फॉर दिस बाइक हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो गाड़ी चलाने वाला है वो एकदम हार्श ही चलाता है एंड उसी चीज़ को हम जो है कंसिडर करके चलने वाले हैं। 5th गियर पर भी देख रहे हो बहुत ही आराम से चल रही है। मेरी स्पीड अगर देखोगे तो 40 की है, देख रहे हो। कोई भी ऐसे जर्क या फिर कोई ऐसी आवाज़ करना या फिर वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके वाइब्रेशंस के ऊपर बात करते हुए सुना है, लेकिन मैंने जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तब भी चलाई थी और काफ़ी लंबे के लिए चलाई थी। आई रिडन फॉर 114 किलोमीटर्स कंटिन्यू, तो उस टाइम पर भी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं थी और अभी भी मुझे वाइब्रेशंस जो है इसके अंदर नहीं फील होती है यार, काफ़ी एविडेंट है। सो आई डोंट थिंक सो इसके अंदर वाइब्रेशंस इतनी है। हाँ अगर जब आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करते हो, उस टाइम पर होगा। इसका एग्जॉस्ट का साउंड भी बहुत प्यारा है। लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल रेव। किसी भी गाड़ी को अगर आपको टेस्ट करना है तो इन सिटी चलाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी केपेबल है। जिस चीज़ के लिए वो बनी है उसी चीज़ पे उसको ट्राई करो। अब ये वाली जो गाड़ी है ये इन सिटी कम्यूटिंग के लिए बनी है, तो कम्यूटिंग के हिसाब से आप इसे देख सकते हो। ये होती है असली बाइक, देख रहे हो, हमारी कुछ नहीं है, यही असली बाइक है। इतना ज़्यादा साउंड है उसके अंदर एग्जॉस्ट चेंज करके, और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं इन सब के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया है। जो लोग फॉलो नहीं करते जाके कर सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पर हम लोग एजुकेशनल कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो इस वाले यूट्यूब चैनल पे हम नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो रास्ते बहुत टूटे फूटे हैं। USD सस्पेंशन है इसके अंदर,
तो इसका जो USD सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा मुझे। अभी 1897 किलोमीटर्स इस गाड़ी के अंदर हो चुके हैं और आई फील मैं 3 किलोमीटर और चला के जो है 1900 कर दूंगा। गाड़ी का सर्विस इंटरवल भी अच्छा है और अभी ये जो प्राइस पे आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। प्राइजेस के मामले में इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सही प्राइस पे आती है। ओवरऑल अगर मैं इस बाइक का रिस्पांस बोलूँ तो बहुत बहुत अच्छा है, नो कम्प्लेंट्स व्हाटसोएवर फॉर नाउ, और अगर कुछ कम्प्लेंट्स हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इनिशियल पिकअप में जो आपको वो झटका लगता है वो है इसके अंदर, इसके अंदर उतनी पावर है, वो अच्छा लगता है, वो सही लगता है। मुंबई के अंदर जितने खड्डे हैं और जितने रास्ते टूटे फूटे हैं ना उसके बारे में तो क्या ही कहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी ऐसा है कि एक हिसाब से अगर आपको गाड़ी को सही से टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मुझे अभी इस गाड़ी का हीटिंग इशू फील होने वाला है क्योंकि आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है, थोड़ा सा जाम है, वहाँ पर थोड़ा जो है इसका हीटिंग इशू ज़्यादा फील होगा। ट्रायंप इज़ अ ब्रांड जहाँ पर अगर आप ये गाड़ी लेकर जाते हो ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ब्लैक कलर हो, ब्लू कलर हो, कोई भी कलर हो, ये जो है वो दिखती है। यहाँ पर आप छोटे से देख सकते हो, यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छा लगता है हर जगह पर। अगर आप देखोगे जो फिनिश है ना, जो फिट एंड फिनिश है इस गाड़ी की, वो बहुत अच्छी है। आवाज़ सुनो, ये इस गाड़ी से आवाज़ आ रही है। अब इसका जो इंजन है वो चालू हो चुका है काफ़ी हद तक। टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं इसका, मैं इसके ऊपर 100 आराम से टच कर सकता था। इस गाड़ी की जो पावर है काफ़ी अच्छी है, 100 तक ये जो गाड़ी है वो बहुत आराम से जाएगी। 100 के बाद जो है ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी जाने के लिए, लेकिन हाँ आपको 140, 150, 160 की रेंज भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। काफ़ी मतलब एक स्मूथ गाड़ी चलने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ भाई आपको टॉप स्पीड टच करनी है, उसकी नहीं। इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल राइडर, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप उतना जो है चला सकते हो। इस गाड़ी के बारे में मैंने सारी कुछ चीज़ें बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, राइड रिव्यू पसंद आया है, सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, अगर आपको चाहिए तो हम उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाएंगे। टॉपिक बताइए, बस टॉपिक बताने की देर है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई है, मुझे भी गाड़ी देने का टाइम हो चुका है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए।